चाइना की वस्तुएं सस्ती और मोहक होती हैं, लेकिन वहाँ की चीजों की कोई गारंटी नहीं, कोई क्वालिटी नहीं। जहाँ दवाइयों में मिलता है धोखा, चॉकलेट में मिलते हैं केमिकल्स और नेताओं में विश्व युद्ध की इच्छा, यही तो चीन का परिचय है। आप सभी के लिए मेरा एक सवाल है, क्या हमें चाइना की वस्तुएं खरीदनी चाहिए? दोकलाम पर कब्जा है साजिशों की रचना, दोकलाम पर कब्जा है साजिशों की रचना। सस्ते दामों को सुनकर दोस्तों मत फंसना, गलत है यूरी पर हमला और आतंकवाद का गुणगान। भारत की रक्षा करने वाले हर जवान को सलाम, को प्रणाम। सुप्रभात, मेरा नाम कुशाग्र कुचेरिया है। चाइना की वस्तुएं सस्ती और मोहक होती हैं, लेकिन वहाँ की चीज़ों की कोई गारंटी नहीं, कोई क्वालिटी नहीं। जहाँ दवाइयों में मिलता है धोखा, चॉकलेट में मिलते हैं केमिकल्स और नेताओं में विश्व युद्ध की इच्छा, यही तो चीन का परिचय है। क्या आपको पता है भारत की अर्थव्यवस्था और किसानों का भविष्य संकट में है? इतना ही नहीं, मसूल अहमद जैसे आतंकवादी को समर्थन देकर पाकी चीनी भाई भाई बन गए हैं। हमारे गांधी जी ने भी खादी पहनकर स्वदेशी अपनाने का मार्ग दिखाया। तो मैं आप सभी से ये पूछना चाह रहा हूँ, चीन के इस मायाजाल में फंसना फिर गुलामी नहीं? अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा, हमसे ही है अरबों कमाए, हमसे ही है अरबों कमाए और हमें ही है आँखें दिखाए। चीन का करो बहिष्कार अगर देश से हो सच्चा प्यार, स्वदेशी से आत्मनिर्भर बने देश अपना, हर भारतीय जागे यही है मेरा सपना। जय हिंद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना कमेंट नीचे वाले कमेंट बॉक्स में लिखिए और हाँ, घंटी बजाना मत भूलिएगा।